इस विशाल प्रांगण में उपस्थित मेरी जनता जनार्दन नहीं मेरे तो परिवार के सदस्य गण जो यहां मौजूद है और मेरे पास में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रत्याशी, और मैं तो मानता हूं कि लहार के जन जन का प्रत्याशी अम्बरीश को तो बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी लार और दबाव आने के लिए। बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी। दो महीने पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आया था और आज आपके समक्ष जब चुनावी ब्यूगल बज चुकी है, उस चुनावी ब्यूगल का जब शंखनाद निकल चुका है तो सिंधिया परिवार का मुखिया युद्ध के मैदान में आ चुका है। बहुत समय निकल गया इस लहर के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना पुश्तैनी रिश्ता है, एक रिश्ता है विकास का, एक रिश्ता है प्रगति का। आज भी मैं वो दिन याद करता हूं जब इस क्षेत्र में प्रगति और विकास की जो नींव रखी गई थी मेरे पूर्वजों के द्वारा, और इस क्षेत्र में जीवाजीराव महाराज ने साख आसन योजना की, भिंड की नहर की योजना लगाई थी ताकि अन्नदाताओं को अमृत का पानी मिल पाए। उस जमाने में आधुनिक युग में लोग कहते हैं कि टप्पा को तहसील बनाओ, आधुनिक युग में कहते हैं नगर परिषद को नगर पालिका बनाओ, पर उस युग में भिंड को नगर पालिका बनाने का काम जीवाजीराव महाराज ने उस समय में किया। महाराजा सिंधिया और सिंधिया परिवार की सोच और विचारधारा कभी भी राजनीति की नहीं रही है। सिंधिया परिवार ने सदैव माना है कि हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने। आज के जमाने में तो कांग्रेसियों ने राजनीति को धंधा बना दिया और उसका सबसे प्रमुख उदाहरण यहां लाहौर में हमें दिखने को मिलता है। जो जो लोग बड़े बड़े बातें करते थे, खदान माफिया का, रेत माफिया का, वही लोग भिंड जिले में सबसे बड़े रेत माफिया हैं मेरे भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब समय आ चुका है उस पर अंकुश लगाने के लिए, और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके समक्ष आया है आपको प्रणाम करने के लिए और आपसे निवेदन करने के लिए कि अब समय आ गया है इन तत्वों को कहने के लिए बस अब और नहीं चलेगा लहर में। तैयार हो करने के लिए जिस लार और भिंड को मेरे पूज्य पिताजी ने, जब लोग कहते थे
रेल मंत्री के रूप में आप सपने देख रहे हो, जब बीज उन्होंने बोया था उनका सपना था गुना से इटावा का रेल का लाइन चलना चाहिए, और जो सिंधिया परिवार का संकल्प होता है आपका सपना, आपके सपने को संकल्प में परिवर्तित करने के लिए और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आज गुना इटावा रेलवे लाइन मेरे भाई और बहनों चल रहा है। ये भिंड का विकास, ये लहर का विकास, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं तो केवल अमरीश जी के साथ नहीं, केवल रमेश जी के साथ नहीं, केवल लायक सिंह जी के साथ नहीं, केवल राजकुमार जी के साथ नहीं, केवल हृदेश के साथ नहीं, केवल कामना जी के साथ नहीं, लेकिन आप सबके साथ मैं संकल्प लेने आया हूं। मुझे अगर एक मौका दो तो लार का विकास और प्रगति में सुनिश्चित करने के लिए तैयार हूं। तैयार हो? आज यहां कांग्रेस के लोग घर घर घूम रहे हैं, 25-30 सालों से जो अत्याचार लहर में किया है, जो गुंडागर्दी लहर में किया है, आज समय आ चुका है उसे जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए मेरे भाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सामने तो सब शांत है, पीछे हड़बड़ हो रही है। हड़बड़ इतनी यहां मत करो, अगर जनता हमारे साथ है हड़बड़ तो वहां होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2003 के पहले की स्थिति की। मोरेना से अगर अटेर जाना हो, अम्बा दिमनी से लाहर आना हो, लाहर से अगर हमें मैगांव जाकर ग्वालियर आना हो, सड़क नाम की कोई चीज नहीं। अरे भैया कृपा करके सब लोग बैठो, कोई सब लोग बैठो, केवल प्रत्याशी की आप मत बैठिएगा 17 तारीख तक। 17 तारीख तक आपको खड़ा रहना है, सब लोग बैठ जाए, आप बैठो बैठो, सब लोग बैठो, बैठो ना। अरे भाई नीचे बैठोगे तो जितना जमीन के पास बैठोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। मुझे अगर मुझे पूछो तो मैं तो वहां बैठूंगा मेरी जनता के साथ। क्यों क्यों? क्योंकि जो लोगों को मंच पे पहुंचाया जाता है उनको जनता के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। जिनके पैर जमीन पर होंगे वही आगे जाएंगे। और मेरा आपके साथ रिश्ता राजनीतिक नहीं है, मेरे आपके साथ अगर रिश्ता है तो एक खून का रिश्ता है और दिल का रिश्ता है मेरे भाइयों में। कांग्रेस में रहते हुए मुझे लाहर में नहीं आने दिया जाता था, अब कमल के फूल के झंडे में मैं स्वतंत्र हूं, आपके यहां आता ही रहूंगा। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये कमल के फूल के झंडे को गाड़ दिया तो आपकी प्रगति और विकास की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। 2003 में सड़क नाम की कोई चीज, हम लोगों को सड़क ढूंढना पड़ता था,
कि गड्ढा का खत्म हुआ और सड़क का शुरू हुई। और अगर रमेश महेंद्र जी कहां गए, अगर रमेश महेंद्र जी गाड़ी से कहीं जा रहे होते तो इनकी अम्मा इनको कहती कि सुन ले बेटा, फोन कर देना मुझे ग्वालियर पहुंच के, तेरी रीढ़ की हड्डी एक ही जगह पे है कि नहीं, इतने अच्छे लगते सही है कि नहीं। किसान का अनाज मंडी अगर जाना पड़ता था तो आधा अनाज रास्ते पे गिर जाता था। और उस जमाने में गांव में कहते थे कि भैया अगर रास्ता ना मिले तो पगडंडी पकड़ लेना, याद है कि नहीं। जब भाजपा की सरकार आई, जिस मध्य प्रदेश में 44,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज उसी मध्य प्रदेश में 5,00,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई। और वही सिटी लाइट की होती थी, वही सिटी लाइट की हम लोग लाइट नहीं कहते गांव में, हम लोग कहते हैं लट्टू। लट्टू लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं होता था। मेरा किसान दिन भर बुआई करता था और बिजली पलेवा के लिए रात के 2 बजे पे आती थी। दिन भर बुआई और रात भर सिंचाई, सही है कि नहीं। आज उसी मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावाट के बदले में 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ये कमल के फूल के निशान के लिए। और अब आपके पास लट्टू भी है, आपके पास ज्योति का प्रकाश भी है और आपके पास ज्योतिरादित्य भी है। अब कई लोग पूछेंगे कि आप 2003 की बात क्यों कर रहे हैं। मैं 2003 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 में एक तिहाई मतदाता लहर के 2003 में उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने वो कांग्रेस का कालखंड देखा ही नहीं है। और इसलिए ये चुनाव मैं कहता हूं, ये चुनाव चुनाव भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये चुनाव आपके घर में बैठे हुए एक एक बुजुर्ग माता पिता के भविष्य का चुनाव है। ये आपके घर में बैठे हुए एक एक भाई और एक एक बहन का चुनाव है, ये आपके घर में बैठे हुए एक एक बच्चा और बच्ची के भविष्य को सुरक्षित रखने वाला चुनाव है। श्रीमान सिंधिया, और वो कांग्रेस पार्टी 2018 में ऐसे ही मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर एक एक जगह कहा था, भिंड में भी कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2,00,000 का कर्जा। और अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बन गए। अब कांग्रेस अध्यक्ष की बोलना ही अगर उस पर विश्वास न हो तो उस पार्टी पे क्या विश्वास कर सकते हो मेरे भाइयों बहनों, बताओ मुझे। यहां इस बड़े प्रांगण में कितने मेरे किसान बैठे हुए हैं, हाथ उठाओ। कारण से मैंने उठवाया है, देखते जाना। बताओ आप में से किसी एक का कर्जा माफ हो, माफ हुआ, माफ हुआ। ऊपर दीवार पे किसी का कर्जा माफ हुआ। 26,00,000 झूठे प्रमाण पत्र वितरित किए गए,
मेरे हाथ से भी मित्र करा दिया। एक किसान का कर्जा माफ नहीं। और जब मैंने सरकार बदली, जब सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा, ये भूल गए कांग्रेसी कि ये वही राजमाता सिंधिया थी। जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम राजमाता सिंधिया ने किया था, और उनका ही खून मुझ में है। अगर सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारोगे और कहोगे सड़क पे आ जाओ, तो सिंधिया परिवार का मुखिया भी सड़क पे आ गया और उनको भी धूल चटाने का काम करा। और अगर मैंने सरकार में बदली होती, अगर इन भ्रष्टाचारियों की वादा खिलाफियों की सरकार न बदली होती, तो शिवराज सिंह जी की मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का ब्याज माफ किया है 2500 करोड़ रुपए का, कभी भी संभव नहीं हो पाता। बोलो मुझे, मैंने ठीक किया कि नहीं सरकार? बोलो ठीक किया कि नहीं सरकार? अब मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है? उठाए। और मुझे बताओ कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? अरे जरा कांग्रेसियों को सुना दो, कितनी मिलती है? 12000 मिलती है। और अगर मैंने सरकार न बदली होती, तो क्या आपको शिवराज सिंह चौहान जी की 6000 रुपया मिलता? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब उठाओ हाथ जिनको 12000 रुपए मिलता है। अब मैं पूछना चाहता, उठाए रखो दो मिनट। मैं पूछना चाहता हूं, 12000 रुपए मिलता है? मिलता है, मिलता है, आगे मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। तो याद है, उठाए रखो, याद रखना, भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 12000 रुपया अपोलो 12000 मिलना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस की सरकार लाओगे? कांग्रेस की सरकार लाओगे? कांग्रेस की सरकार लाओगे? बोरी मिस्टर कांग्रेस का बांध के ताला लगा के चाबी को चंबल में भेज दोगे? भेज दोगे? एक और बात मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में, इन 3 सालों में लाडली बहना योजना लाई है। यहां कोई मेरी लाडली बहना है क्या? जरा उठ जाओ मेरी लाडली बहना। अब बंद कर दो इसको, बस एक और इसको बंद करो। आओ,
मेरी लाडली बहना यहाँ है मेरे साथ है, अब मेरे सामने भी कृपा करके हट जाए। मेरी लाडली बहना मेरे साथ है, नहीं करो भैया सामने 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 मेरी लाडली बहना ममता आई है। ममता जी आपको हर महीना कितना मिलता है खाते में? 1250 रुपए आते हैं खाते में, मतलब साल में करीब करीब 15,000। ये भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार ने ली है, 15,000 रुपया हर महिला के खाते में। कमल के फूल वाले भारतीय जनता पार्टी ने 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में डाला। भारतीय जनता पार्टी, अब आपको ये जो 15,000 मिलते हैं 1,250 हर माह आगे भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, भविष्य में भी मिलना चाहिए। अब मेरी लाडली बहना सुन लेना, अगर ये 1,250 रुपया अभी मिलता है, अगर भविष्य में भी मिलना चाहिए, भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 1,250। क्यों? इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई थी तब कन्यादान योजना बंद कर दिया था। जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई थी मेरे आशा के कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपया काट करके, तनख्वाह काट करके उनको पूर्ण रूप से गरीबी रेखा में धकेल दिया था मेरे भाइयों ने। और जब ममता कमलनाथ जी की सरकार थी, ममता गई कमलनाथ जी के पास और ममता ने कमलनाथ जी से कहा, अरे मुख्यमंत्री जी कुछ महिलाओं के लिए करो। तो कमलनाथ जी ने मालूम ये डंडा नीचे करो, हाँ अब ठीक है, मैं केवल आपके बारे में सोचता हूं, आप मेरे हाथों को मजबूत करो, आपके बारे में सोचता ही रहूंगा और काम करता ही रहूंगा। मेरे हाथों को मजबूत करोगे? मेरे हाथों को मजबूत करोगे? मेरे हाथों को मजबूत करोगे? तो ममता जी गई कमलनाथ जी के पास, बोला कि कमलनाथ जी कुछ करो महिलाओं के। तो मालूम है कमलनाथ जी ने ममता जी को क्या बोला? ममता जी ने कमलनाथ जी ने ममता जी को बोला, बहना तिजोरी खाली है। और जब मैंने सरकार बदली तब ममता जी गई शिवराज भैया के पास और ममता जी ने शिवराज भैया को बोला, भैया और भैया ने क्या कहा आपको? भैया ने कहा, जहां एक तरफ कमलनाथ जी ने कहा कि बहना तिजोरी खाली है, वहां शिवराज भैया ने कहा, बहना तिजोरी तुम्हारी है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी में अशोक जी की जगह नहीं आप बैठो, नीचे बैठे अशोक कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी
पार्टी में वो केवल कुर्सी की कहानी है, और वहां जो जोड़ी है ना, जोड़ी कौन सी जोड़ी, कौन सी जोड़ी, बड़े भाई, बड़े भाई, जब उनको ये दिख जाता है ना तो उनकी आंखों में चमक आ जाता है। ऐसी चमक आती है और कुर्सी को देख के कहते हैं आजा आजा आजा। कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है, कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का है, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा जनता के आंखों में सितारा है और प्रगति और विकास का है। तो आज मैं लाहौर की जनता को कहना चाहता हूं, मैं लाहौर की जनता को कहना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास केवल अमरीश गुड्डू नहीं है, इनके साथ त्रिमूर्ति है, गुड्डू जी है, शिवराज जी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इनके साथ एक जोड़ी है शिवराज सिंह चौहान जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उधर भी एक प्रत्याशी है, उधर भी एक प्रत्याशी है, उनके पास भी जोड़ी है। बड़े भाई, बड़े भाई, अब आपको तय करना है, आपको गुड्डू के साथ वाली जोड़ी अच्छी लगती है या आपको उनके साथ वाली जोड़ी अच्छी लगती है? कौन सी जोड़ी अच्छी लगती है, कौन सी जोड़ी अच्छी लगती है? तो 17 तारीख को एक भी वोट ना छूटे। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ आपके पास है पुण्य की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है शून्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है पुण्य की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है, एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है, और एक तरफ आपके पास है आपका तलवार और आपका धार और दूसरे तरफ आपके पास है श्रीमान। एक तरफ आपके पास है आपकी तलवार और आपकी धार और दूसरे तरफ आपके पास है श्रीमान। मैंने नहीं बोला, सुन लेना मेरे मीडिया के भाई। किशोर कुमार की पंक्ति याद आ गई, गाने में उन्होंने कहा था कि अरे भाई ये पब्लिक है पब्लिक, अरे भाई ये पब्लिक है पब्लिक, ये सब कुछ जानती है, अरे भाई ये पब्लिक है पब्लिक, ये सब कुछ जानती है, क्या अंदर है और क्या बाहर है ये सब कुछ पहचानती है। तो 17 तारीख को हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, कांग्रेस सरकार।